मिर्जापुर में प्रशासन इतनी ढीली पड़ी है कि हर जगह लूटपाट और अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि गहरी नींद सो रही है। योगी जी ने कड़े निर्देश तो दिए हैं कि हर जगह चौकसी बरती जाए, लेकिन चौकसी दिखती तो नहीं। विद्यांचल मंदिर में देख ले, यहाँ हर रोज बड़ी संख्या में भक्त दर्शन को आते हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन की तरफ से भक्तों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ दर्शन को आए भक्तों से पैसे लेकर दर्शन करवाए जाते हैं, वही खड़ी पुलिस मूक दर्शक बनी तमाशा देखती है और भक्तजन परेशान होकर दर्शन करके चले जाते हैं। क्या विंध्यवासिनी माँ के मंदिर को और मंदिरों की तरह सरकार अपने अंडर लेकर भक्तों को सुविधाएं नहीं दे रही? साथ ही देखा गया कि कच्चे घाट पर कुछ दबंग 50 से 100 रुपए की मांग करते हैं और न देने पर गालियां देकर भगा देते हैं। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट भी की गई। बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करने वाला युवक मौके से फरार हो गया। तो ये बताइए, वो लड़का जो इनको मार रहा था इस घाट पे, पूरे घाट पे सभी के भी सभी ने ये देखा है मार रहा था, वो आपका कौन है? हमारा कोई नहीं है, वो हमारे परिवार का जो है भाई का लड़का। तो भाई का लड़का है, आपकी माँ को मार रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? हम यही कह सकते हैं कि मैं उन लोगों से लड़ने लायक नहीं हूँ। लड़ने लायक नहीं? हाँ, वो सब परिवार में बहुत बाहुबली है, सभी से ऐसे ही झगड़े करते रहते हैं। इनको मैं मना करता हूँ गंगा घाट पे मत आया करिए, नहीं मानती है मेरी बात। आती है तो ये सब जबरदस्ती हमारे घाट को जनाते हैं, हमारे माता जी को गंदा उल्टा सीधा मारता मारना। कौन सा घाट है आपका? यही जहाँ आप खड़ी है। ये नाम क्या है घाट का? कच्चा घाट इसको कहते हैं। कच्चा घाट विंध्याचल। विंध्याचल। ये मारे हैं जो, ये पटीदार हैं आपके? हाँ, पटीदार है। तो आप इनके खिलाफ कंप्लेन करेंगी? हाँ बिल्कुल करेंगी। हाँ। और आप भी कंप्लेन करोगे? क्यों नहीं करेंगे, हमारे माताजी को ऐसे कोई मार देगा? हम अकेले, हमारे कोई बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं है। भाई बाप अकेला है। हाँ, मैं दम कर रहा था कि दुश्मन हमको भी नहीं। हमने देखा है कि सुजीत उपाध्याय ने मारा एक आदमी। आप लोगों में से किसी ने देखा? आप लोगों में से किसी ने देखा है मारते हुए? लेकिन इस घाट पर पूरे पब्लिक के साथ अत्याचार होती है, पूरे पब्लिक के साथ, जितने पब्लिक आते हैं उनके साथ अत्याचार होता है। हमने देखा है। कौन करता है अत्याचार? सभी सारे लोग करते हैं। सुरेश उपाध्याय सुन लीजिए, और सब लोग यही चौकी का पैसा लेते हैं जबरदस्ती, 10 रुपए एक भाड़ा का कपड़ा चेंज करने के लिए लेते हैं। कपड़ा चेंज करने के लिए पैसे 10 रुपए लेते हैं? 10 रुपए लेते हैं? किससे लेते हैं पैसे? कस्टमर लोग को। कस्टमर से यहाँ पैसे लिया जाता है? अच्छा, जब हम लोग बोलते हैं तो फिर फोटो कहेंगे तुम्हारे लोग का फोटो बंद करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे।